हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका से लेकर के अयोध्या तक हर जगह कंपनियों का ही राज रहता है। अंबानी अडानी के प्रतिनिधि मिलेंगे, जो काम सरकारों का करना चाहिए वो अंबानी और अडानी कर रहे हैं। भाजपा को भ्रष्टाचार से दिक्कत नहीं है, उनके लिए है कि भ्रष्टाचार का जो ये कीचड़ है वो कमल के नीचे एकत्रित हो, ताकि कमल पल्लवित हो, पुष्पित हो, उनके लिए भ्रष्टाचार का सब यही संदेश। पूरा देश राममय हो गया था, आप लोग लेकिन विरोध कर रहे थे, आखिर विरोध की क्या? आज इस कोडरमा में 8 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन चाहे प्रवासी मजदूरों का सवाल हो, चाहे अब्रक का सवाल हो, तमाम नीतियां ऐसी बना रही है। ये बंद हुए तो इस कोडरमा और जयनगर के इलाके में लोग अंगड़िया पर निर्भर थे, आज उस पर भी मंदियां इन सरकार की नीतियों के लगातार। लोहा चला जा रहा है, कोयला चला जा रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, लेकिन आप बालू उठाएंगे तो उसके लिए एनओसी मिलेगा दिल्ली से। ये केंद्रीकरण है कि लोगों को परेशान करने की साजिश। अच्छा, अभी क्या लग रहा है कि राजनीति पे धर्म हावी है या धर्म पे राजनीति हावी है? जोहार, मैं जबाज, आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज खजाना। कोडरमा में आज विधायक जी, माले के विधायक विनोद सिंह जी पहुंचे हुए हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर आज नेताजी। बिल्कुल साफ साफ जो चिंता इस समय में, जब नेताजी की 128वीं जयंती हम मना रहे हैं पूरा देश धूमधाम से, तो हम जब शहीदों को याद करते हैं तो उनके मूल्यों को याद करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खून इस देश के मिट्टी में सना है, वो चाहे अम्बेडकर हों, वो चाहे भगत सिंह हों, हमारे देश के तमाम अमर शहीद सेनानियों ने इसलिए अपनी जान नहीं गंवाई थी। उनके लिए आज़ादी का सपना नहीं था कि इस देश या मुल्क एक कंपनी के हाथ से निकल करके दूसरे कंपनी में आए। आज जब आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, हम गणतंत्र मनाने जा रहे हैं, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस संविधान की, जिस लोकतंत्र की रूपरेखा गई है उसको तार तार किया जा रहा है। आज आप फिर देखें कि एक तरफ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका से लेकर के अयोध्या तक हर जगह कंपनियों का ही राज रहता है। अंबानी अडानी के प्रतिनिधि मिलेंगे, जो काम सरकारों का करना चाहिए वो अंबानी और अडानी कर रहे हैं। इस देश की जो 75 सालों से खड़ी विरासत है, वो चाहे कोल इंडिया हो, कोयला हो, लोहा हो, रेल हो, हवाई जहाज हो, वो तमाम निजी संस्थानों को बेचे जा रहे हैं और देश की जनता पे महंगाई का, बेरोजगारी का मार जो है वो झेला जा रहा है, और महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त लोग आवाज उठा रहे हैं। तो अंग्रेजों के जमाने के समय में जो इस मुल्क में उन तमाम चीजों को किनारे होकर के जाति धर्म और इन तमाम चीजों पे गोलबंदी की जा रही है, तो सुभाष चंद्र बोस को याद करने का मतलब, अंबेडकर को याद करने का मतलब इस संविधान और लोकतंत्र के साथ खड़े होना। भाकपा माले 16 जनवरी से लेकर के 30 तक लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ पखवाड़ा मना रही है। इसी के तहत अभी हम कल कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती जो है उनकी, उनको याद करेंगे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को और याद करना जरूरी है। जब पूरे आप देख रहे हैं कि अब जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है इस राज्य के विधानसभा में, खतियान आधारित स्थानीयता और पिछड़ों को आरक्षण विधेयक जो है 2-2 बार पारित किए गए हैं, फिर भी राज्यसभा से अड़ंगा लगाया, राजभवन से अड़ंगा लगाया जा रहा है, अमित शाह इनके खिलाफ बयान देते हैं, हम उनको कल याद करेंगे, सामाजिक न्याय सम्मेलन करेंगे, और 30 तारीख को इस आजाद भारत के जो पहले शहीद हुए हैं महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी एक ऐसे मुल्क के लिए जहां सारे लोगों के लिए बराबरी के अधिकार हों, इसका हम समापन 30 जनवरी को करेंगे। जी, 20 तारीख को ईडी का कार्रवाई चल रही थी हेमंत सोरेन के यहाँ, और सीआरपीएफ के जवान 1000 की तादाद में पहुंचे थे। जेएमएम आरोप लगा रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की। बात है कि भाजपा भले ही वोट लोकतंत्र की दुहाई हो, लेकिन लोकतंत्र में पारदर्शिता का कोई मतलब नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम जो वोट देते हैं जिन मशीनों से, वो वोट की पारदर्शिता हो, हम वोट किसको देते हो निकले उसकी गिनती हो, उस पारदर्शिता से नरफत है। जहां वोटों से भी सरकार गिरा दी जाती है, हटा दी जाती है, वहां भी अगर आप देखेंगे तो सरकार जो है लोगों को जो है खरीदी और गिराई जाए। कर्नाटका में हम लोगों ने पिछले दिनों देखा, हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा, हम लोग महाराष्ट्र में देखा, और जब झारखंड में भी सत्ता यहाँ से हटाई गई तो एन केन प्रकार गैर भाजपा सरकारों को गिराने का काम किया जाए। सवाल भ्रष्टाचार है ही नहीं, साल अगर करप्शन होता तो इस राज्य में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शासन है, किसी से पूछताछ का भी कोई मसला नहीं है, पूछताछ करे और होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखे तो झारखंड में भी भ्रष्टाचार की खिड़कियां जैसे ही भाजपा की ओर जाती है,
आज जेपीएससी घोटाला का बाबूलाल मरांडी के शासनकाल से सीबीआई 15 साल से जांच कर रही है। क्या हुआ आज जिस मनरेगा घोटाला में पूजा सिंघल जेल है उस पे जो है हमारे विधानसभा सवाल पे कमेटी बनी थी उस जांच को किनारे किया गया रघुवर दास ने, उस पे क्या हुआ? जिस खनन पे पाकुड़ में आप इसकी बात कर रहे हैं गिट्टी में जब उसकी आंच जानना शुरू हुई रघुवर दास के ऊपर पूरा वो चैप्टर बंद गया। तो जहां भ्रष्टाचार के दरवाजे और खिड़कियां भाजपा की ओर खुलती है वो दरवाजे बंद कर दी जाती है। यहां तक बंद कर दी जाती है कि छगन भुजबल का फाइल हाई कोर्ट में कहती है ईडी कि वो खो गया। तो भाजपा को भ्रष्टाचार से दिक्कत नहीं है, उनके लिए है कि भ्रष्टाचार का जो ये कीचड़ है वो कमल के नीचे एकत्रित हो ताकि कमल पल्लवित हो पुष्पित हो, उनके लिए भ्रष्टाचार का सिर्फ यही संदर्भ। कल पूरा देश राममय हो गया था, आप लोग लेकिन विरोध कर रहे थे, आखिर विरोध की क्या? नहीं, सवाल वो नहीं है, कल तो हम शहीदों को याद कर रहे थे। मेरे भाजपा के शासन काल में अगर आप देखेंगे कोडरमा में इसी में तीन तीन लोगों को शहीद हुए थे, रतन बनवाल, महेश सिंह, अशोक यादव। इसीलिए तो हमने कहा कि जब ये सवाल होते हैं सरकार लोग इसलिए चुनते हैं, बाकी इस देश में वो देव दीपावली हो, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, दशहरा है, होली है, ईद है, मुहर्रम है, पर्व है, त्यौहार है, सदियों से मनते आए हैं लोगों आस्थाएं मनते रहेंगे। लेकिन सरकार बड़ी हुई महंगाई के मार पे आई थी, बेरोजगारी के मार पे आई थी, कही थी कि गिरिडीह को आकांक्षी जिला घोषित करेंगे। आज इस कोडरमा में 8 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन चाहे प्रवासी मजदूरों का सवाल हो, चाहे अभ्रक का सवाल हो, तमाम नीतियां ऐसी बना रही है। ये बंद हुए तो इस कोडरमा और जयनगर के इलाके में लोग अंगड़िया पर निर्भर थे, आज उस पर भी मंदियां इन सरकार की नीतियों के लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन लोहा चला जा रहा है, कोयला चला जा रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, लेकिन आप बालू उठाएंगे तो उसके लिए एनओसी मिलेगा दिल्ली से। ये केंद्रीकरण है कि लोगों को परेशान करने की साजिश है। एक सवाल सर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा अभी असम में है, कल उन्हें मंदिर जाने से भी रोका गया और उनके काफिले पर हमला भी किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत सचेत सारी चीजें हैं कि जहां जो लोग सबसे चीजें करते हैं, दूसरे अगर लोकतांत्रिक तरीके से भी चीजें करते हैं तो उनके ऊपर हमले होते हैं, ये लोग उनके पूजक हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि लोग गांधी को याद करते हैं, इनके लिए गोडसे का महिमा मंडन। अच्छा, अभी क्या लग रहा है कि राजनीति पे धर्म हावी है या धर्म पे राजनीति हावी है, क्या कहेंगे? देश की संविधान, जिस मूल का संविधान हमारे लोगों ने लिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, अम्बेडकर हो, उस संविधान के तहत उस देश में लोकतंत्र में देश के हर लोगों को, हर समूह के लोगों को जीने का मान सम्मान और बराबरी का अधिकार है, और हम इसीलिए इस संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग जनता जिन सवालों के लिए सरकारों को, प्रतिनिधियों को चुनती है, वो सरकारों से पीछे हटते हैं, तो उनके लिए यही मसला रहता हो, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, पंथ पे लेकर के, वो अंग्रेजों के समय से लेकर के आज तक उनका। एक सवाल कोडरमा से जुड़ा हुआ है कि इंडिया गठबंधन के सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया, माले कितना मजबूती के साथ कोडरमा लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है? माले मजबूती के साथ कोडरमा चुनाव लड़ती रही है, पिछले कई बार से जो लड़ रही है, एक बार दो बार सेकेंड भी आई थी, इवन पिछले विधानसभा चुनाव में माले गठबंधनों से अलग भी लड़ी थी, तब भी कोडरमा लोकसभा के 6 विधानसभा में देखेंगे तो भाजपा के बाद भाकपा माले का ही सिंगल पार्टी का वोट ज्यादा है। इसलिए अगर कोडरमा में भाजपा को परास्त किया जा सकता है तो भाकपा माले के द्वारा, लाल झंडे के द्वारा, जो प्रतिबद्धता है उसके द्वारा, नहीं तो आपने देखा है भाजपा को हराने के नाम पर भी जो आए हैं गए हैं, और आज आप देखें फिर किस तरीके से उस दबाव में, तनाव में फिर से भाजपा की गोद में जा बैठे, उससे तो विकल्प नहीं हो सकता है कोडरमा। तो ये थे हमारे साथ माले के विधायक विनोद सिंह जी जो आज कोडरमा पहुंचे हुए थे। तो आप लोगों को बताएं, कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को बातचीत हमारी कैसे लगे। आप देखते रहिए द न्यूज़ खजाना, तब तक के लिए शुक्रिया, जोहार।